बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रुबीना मलिक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज है मंडे और हमारे स्कूल्स रीओपन हो चुके हैं। वैसे ये आसपास की जगह बहुत खूबसूरत है, मैं चाहती थी दिल से कि मैं दिखाऊं आपको अपने व्लॉग में, बट क्योंकि ये कैंट एरिया है और कैंट एरियाज ज़रा सेंसिटिव एरियाज होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर शूट कर नहीं सकती। सो ये है मेरा स्कूल, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ। मेरा स्कूल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि एक तो इसमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, दूसरा यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे बहुत ही कुछ यूनिक से और खूबसूरत से प्लांट्स हैं। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा है, आप लोगों में से भी जो आजकल बाज़ार में जाते होंगे या बाहर कहीं भी निकलते होंगे, उनको आइडिया हो रहा होगा कि कैसे कबाब बनने वाली गर्मी चल रही है बाहर। और यहाँ पर जी हमारे रोड्स जो हैं रिकन्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर इस साइड के जो रोड्स हैं वो थोड़े से ख़राब हो चुके थे, तो इसलिए शायद इन्होंने सोचा होगा कि इसको दोबारा से बना लिया जाए। और अब दोबारा से बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे, अच्छे और नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। आज ये जी हमारा स्कूल का दूसरा दिन, और मेरी तो पहले ही दिन में बस हो गई थी। लाइक कल जब मैं स्कूल से वापस गई थी, घर जाने के बाद मेरी बहुत बुरी हालत थी। मैंने वैक्सीनेशन के लिए भी जाना था, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी और मेरी आँखों में इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी कि मैं ओपन भी नहीं हो पा रही थी मेरे से। मैं बार बार आँखों ठंडे पानी से फेस वॉश कर रही थी, और फिर जो है मैंने खीरे भी रखे काफ़ी देर, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर शाम तक तो मुझे प्रॉपर टेम्परेचर हो गया था, फ्लू भी हो गया था। तो फिर अगले दिन तो मेरी बिल्कुल जाने वाली हालत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं चली गई, क्योंकि मुझे पता था मुझे छुट्टी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कूल वाले कहेंगे इतने महीने की छुट्टियाँ गुजारने के बाद आपको फिर से छुट्टी चाहिए। तो वही वाली बात है कि नौकरी की ते नखरा की, ऐसे होते हैं ना ये मिसाल मुहावरा। चले खैर, एनीवेज़ आपको समझ तो आ गई होगी कि मैं कौन से मुहावरे की बात कर रही हूँ। तो फिर अभी मेरी अपनी फ्रेंड से बात हो रही थी, मैंने आज जाना था वैक्सीनेशन की, मैंने कहा चलो कल लेंगे, तो आज आई एम फीलिंग लिटिल बैटर। तो वो मुझे बता रही थी कि अगर तुमने आज जाना है तो मत जाना, क्योंकि जब वो अपनी वैक्सीनेशन के लिए गई थी तो वो कह रही थी कि डॉक्टर्स वर आस्किंग पीपल कि अगर कोई थोड़ा सा भी डाउन फील कर रहा था तो उनकी वैक्सीनेशन नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी गर्मी में जाने से बेटर है कि तुम वेट कर लो, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तब चल ही जाना। आई सेड ओके फाइन, वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे स्कूल का तीसरा दिन, और आज हम लोगों ने वैसे इतना कोई ख़ास है सच काम हमारा था नहीं, हम लोगों ने छोटे छोटे काम थे, ज़्यादातर काम हम घर से ऑलरेडी कर चुके थे। तो आज हम लोगों ने डोजियर्स सेट करने थे, ये बड़ा ही कोई औखा काम था। भाई क्लास में, हर क्लास में 30+ स्टूडेंट्स हैं, और हर क्लास की फाइल और डोजियर में देखना था कि बताइए बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें थी, तो वो कंप्लीट होनी चाहिए। और फिर ये सारी चीज़ें हैंड ओवर करनी है नेक्स्ट क्लास टीचर को, क्योंकि सारे बच्चे प्रमोट हो गए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको मैं दिल से बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक स्टूडेंट्स थे। बट खैर, ऑल थैंक्स टू कोरोना लॉकडाउन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, उसकी वजह से सब के सब बच्चे प्रमोट हो गए हैं। तो जी ये थी अब तक की गर्मी और गर्मी के असरात की मेरी दास्तान। आई जस्ट होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से हों, और आप लोगों पे गर्मी के वो असरात ना हुए हों जो मुझ पर हुए। क्योंकि मेरी हालत देखने के बाद मेरे भाई ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि ये देखो ये कितनी नाजुक है, एक दिन बाहर निकली और उसका ये हाल हो गया है। खैर, अब गर्मी है ही इतनी ज़्यादा, तो इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। सो गाइज, टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ फ्रॉम बोथ हीट एंड कोरोना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।